इंग्लिश मैं भानु योगी एंड टुडे इन वी आर ट्वेल्थ क्लास फ्लैमिंग बुक पोएफर्स टाइगर्स जी हाँ पीछे क्या देख रहे हो टाइगर हंसते हुए खेलते हुए टाइगर को आप स्क्रीन पर देख रहे हो टाइगर 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 एक टाइगर जितना वाइल्ड होता है ना जितना डेंजरस होता है ना वही कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ बताता है तो क्या इस पॉइंट में हम सीखेंगे क्या चीज़ें हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ठीक है टाइगर तो आपने देख लिया लेकिन आंट जेनेफर्स उनके कैरेक्टर के बारे में उनकी लाइफ के बारे में भी अभी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे ठीक है चलो बढ़ते हैं हमारी पोईम की तरफ आंट जेनेफर्स टाइगर्स पोएम बाय एड्रिनी रिच जी हाँ इन्होंने ये लिखी है और क्या ये बताएंगी उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है ना देखो अबाउट द सबसे पहले जो है इनके बारे में में देख लेते हैं 1929 2012 में इनका बर्थ हुआ ठीक है कब इनका बर्थ हुआ यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन राइट अमेरिकन पॉइंट थी एशियस थी फेमिनिस्ट थी यानी कि औरतों को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी जी हाँ हर किसी को औरतों का इज्जत करना चाहिए वेमेन्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है गर्ल्स का भी सबका ठीक है इवन मैं तो ये समझता हूँ कि नॉट ओनली वेमेन या गर्ल्स या बॉयज या मैन अगर हम दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें भी रेस्पेक्ट मिलेगी अगर हम दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हमें रेस्पेक्ट मिलेगी क्या हमें रेस्पेक्ट मिलेगी ये हमें सबसे बड़ी चीज सोचनी पड़ेगी इस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा

चीजों को बियरअप करने का यानी सहने का काम करती है ये सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे शी हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ मैन हमेशा से कहा जाता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है और उनके बीच में जो औरतें हैं वो किस तरीके से हाइड हैं ठीक है उनके बारे में यहां पर बताया गया है तो पहले स्टैंड जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टार्ट करते हैं देखो क्या दिया गया है आंट टाइगर्स स्क्रीन ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जी हाँ आंट जेनेफर्स के जो टाइगर्स हैं जो बाघ हैं वो एक स्क्रीन पर है कैसे कि उन्होंने पाले हुए नहीं है बल्कि एक कपड़े पर उन्होंने सिलाई करके उनको बनाया है जो कि काफी रॉयल तरीके से बैठे हुए हैं ब्राइट टोपेज डेरिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन और टाइगर कहाँ रहते हैं जंगल में रहते हैं कहाँ रहते हैं जंगल में वो रहते हैं और जंगल में एकदम शाही तरीके से रहते हैं उनका जो उनकी जो बनावट है हम देखते हैं कि ब्लैक लाइंस पर होती है एक रॉयल वॉक उनकी होती है ठीक है और उनका एक अलग ही वातावरण होता है दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री जो आदमी जंगल में जाते हैं तो वो उनसे भी नहीं डरते क्यों डरे क्योंकि वो अपने एरिया में है अपने सर्कल में अपने एटमोसफियर में तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं होता है The sleek, certainty, यानी एक शाही तरीके से वो रहते हैं बिना किसी डर के बिना किसी समस्या के बिना किसी रुकावट के बर्डन के लिमिटलेस राइट right? बिल्कुल शांति से वो रहते हैं किसी चीज का कोई बर्डन नहीं है अपनी सारी चीजें वो कर रहे होते हैं जो वो करना चाहते हैं ठीक है तो पैलेस्टेंजा में लगभग टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है उनके उनका जो रहने का तरीका है उनका जो एटमोसफियर होता है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है ठीक है सेकेंड स्टेंजा में आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लडरिंग थ्रू हर वूल यानी कि ये जो अंडरलाइन है इनके मीनिंग्स हम डिस्कस जरूर करेंगे अभी तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लडरिंग थ्रू हर वूल जब आंट जेनिफर जो है ऊन से सिलाई कर रही है तो जो सुई है जिसको वो बार बार क्या कर रही है इन एंड आउट

जो अंकल जी से उनकी जो शादी हुई ना जेनिफर की तो जो अंगूठी पहनाई गई थी उसका मैसिव यानी कि बर्डन शादी का बर्डन जो इतनी सारी चीजें उन्होंने की उसके बीच में वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई इसीलिए कहते हैं ना कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए औरत एक देवी के समान होती है हमारे घरों में अगर हम देखें तो जो मदर होती है सिस्टर होती है हमें सीखना चाहिए कि 365 डेज बिना रुके बेचारी घर का कार्य करती हैं घर का काम करती हैं तो इवन हमें भी उनके हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें हम सपोर्ट करें प्रमोट करें अवेयर करें अगर किसी भी फील्ड में वो जाना चाहती है लाइक जॉब करना चाहती हैं खेलना कूदना चाहती हैं या फिर मतलब स्पोर्ट के फील्ड में जाना चाहती हैं या फिर और अदर फील्ड में जाना चाहती हैं तो लेट देम डू वॉटर दे वॉन्ट टू डू बिकॉज एक्सप्लोर करेंगी लेकिन लिमिट्स जो होती है वो ध्यान में होनी जरूर चाहिए उनके हाथों पर बर्डन है अंकल जी से जो शादी हुई ना शादी का बर्डन है उनके हाथों पर सिट्स है जो कि काफी लंबे टाइम तक क्या है ये चलेगा और होता है ना कि अप नहीं किया जा सकता सेम थिंग थर्ड स्टैंड देखिएगा वेन आंट्स इज डेड जब आंटी जी मर जाएंगी उनकी मौत हो जाएगी हर टेरिफाइड हैंड्स वाइल सॉरी हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रेंग विड बाय यानी जब उनकी मौत हो जाएगी जब उनको कब्र में रखा जाएगा तब भी वो अंगूठी इन द सेंस की वो बर्डन शादी का बर्डन अंकल जी से अंकल जी से जो शादी हुई उसका बर्डन उन्हीं के साथ जाएगा काफी परेशान वो रहेंगी ठीक है स्टिल रेंग विड बाय और एक तरीके से जैसे हम एनिमल्स को देखते हैं गाय को इनको देखते हैं जैसे हड़े होते हैं वो चराने जाते हैं तो एज इट इज वो सिचुएशन यहाँ पर बताई है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने उसमें पैनल में बनाए थे वो देखो वो बिल्कुल रॉयलिटी से फ्रीडम से विदाउट एनी बर्डन आसानी से जी रहे हैं तो यहाँ पर दोनों की लाइफ में कंपेयर किया है बिना डरे वो वो हर एक चीज करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो ये तो, चेंगे चेंगे। तो ये तो हो गई समरी एक्सप्लेनेशन आपके की ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो वर्ड मीनिंग है जो कि मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे एट द इसका मीन है वॉक जो होती है बिल्कुल सॉलिड वॉक राइट टॉपेज मींस क्या होता है अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन ठीक है डेनिजेंस मींस हियर एन एनिमल दैट लिव्स और इट फाउंड अ पर्टिकुलरली प्लेस जैसे मैंने कहा था कि जंगल में ही आपको क्या मिलेंगे टाइगर मिलेंगे क्या मिलेंगे टाइगर क्योंकि वो उनकी जगह है स्लीक मींस एलिगेंट मींस बीइंग कर्टियस To women, an act of gentleman. बिल्कुल तरीके से वो अपना काम करते हैं ऑडियंस मींस एक्सट्रीमली सर्व टेस्ट और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव प्रांसिंग एक जगह से दूसरी जगह प्राउडली जाना फ्लटरिंग यानी कापना ठीक है तो ये यहां पर इनका मतलब हो गया अभी डिस्कस करेंगे गाइस, हम हमारे लिटरेरी डिवाइस क्या डिस्कस करेंगे हमारे लिटरेरी डिवाइस को हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज आप देख लीजिएगा कि आपके टोटल कितने स्टेंजा हैं? तीन स्टेंजा हैं, ठीक है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट सो तीनों स्टेंजा में हमारे पास जो राइम स्कीम है वो है ए बी क्या है ए एंड बी बी ठीक है सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या है एनाफोरा क्या है एनाफोरा ठीक है यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कंटिन्यू लाइन लाइक दे डू नॉट एंड दे पेस इन सो यहां पर दे एंड इधर बी दे सो so, एनाफोरा मेटोफोर इसमें है यूज ऑफ टॉपेज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स उनकी बनावट जिस तरीके से होती है कि येलो कलर होता है और उस पर ब्लैक लाइन्स होती है तो उसको बताने के लिए एक मीनिंग बताने के लिए मेटाफोर का यूज हुआ है एलिट्रेशन एलिट्रेशन का यूज हुआ है जो पी वर्ड है जो बार बार क्या हुआ है रिपीट हुआ है ठीक है जैसे यहाँ पे प्रेंसिंग प्राउड प्रेन्सिंग प्राउड यानी पी यहां पर भी आया पी यहां पर भी आया तो ये क्या हो गया एलिट्रेशन ठीक है तो ये आपके कुछ लिटरेरी डिवाइस इस पोएम के काफ़ी शॉर्ट पोएम थी अंडरस्टेबल थी ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट है नहीं जो समरी है एक्सप्लेनेशन है उन्हीं से आप काफ़ी कुछ बया कर सकते हो अगर एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आता है फोर मार्क्स में तो यू कैन आंसर वेरी ईजिली और अगर टू मार्क्स में आता है तब भी आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे आंसर कर पाएंगे तो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू गोट होल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पोएम यू आर एबल टू आंसर वेरी वेल ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है ही सही साथ में एक्सप्लेनेशन उस पोएम से रिलेट क्या टॉपिक है किस टॉपिक से क्या अवेयरनेस जैसे इसमें फेमिनिज्म की बात की है को सपोर्ट करने की बात की है उनको अवेयर करने की बात की है प्रमोट करने की बात की है सोसाइटी में तो ये सारी चीजों पे जब नॉलेज हो जाती है तो वी कैन एक्सप्रेस आर आंसर्स आई होप बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड मैनी मोर थिंग्स देन वी कैन सॉल्व इट राइट और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ सेम एनर्जी सेम मोटिवेशन तब तक क्लियर टाटा गुड बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर